हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एमटीआर। और ये रही 2023 की लेटेस्ट मॉडल हीरो की ग्लैमर एक्सटेक का डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल। इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है और इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है और इसकी अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 1,06,200 रुपये के आसपास। और ड्रम ब्रेक में इस बाइक की अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 1,02,165 रुपये, जो मैंने आपको बताई है SMSG हीरो शोरूम लेक टाउन कोलकाता की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का विंडशील मिल जाता है, नीचे में हीरो का 3D में लोगो और यहाँ पर आपको एच शेप की LED DRL देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन स्टार्ट होने के बाद ही इसकी मेन हेडलाइट ऑन होती है। नीचे में अभी आप इसकी लो बीम को देख पा रहे हैं और अभी मैं इसकी हाई बीम को भी यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको LED का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर का सेटअप मिल जाता है और वाइट कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके फ्रंट में आपको 30mm डायमीटर के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है और आगे में 240mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जिसमें आपको वाइब्रेक के कैलिपर मिलते हैं जो कि ब्रेकिंग में सबसे अच्छे माने जाते हैं। और आगे में 80/118 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर का सेटअप मिलता है। इस बाइक का कर्ब वेट है 123 kg डिस्क ब्रेक में और ड्रम ब्रेक में इस बाइक का कर्व वेट है 122 किलोग्राम। इस बाइक में आपको 798mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी अगर आप इसके फ्यूल टैंक के काउल के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्लैमर का 3D में लोगो देखने को मिलता है क्रोम के साथ और नीचे में एक्सटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये जो काउल है वो आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है और यहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। बाइक की जो हैंडल वार है वो आपको नॉर्मल मिलती है, जो कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ में उठी हुई है और इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसके ऊपर में चेक इंजन की लाइट, टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको मिलती है ब्लू कलर में I3S की वार्निंग की लाइट और यहाँ पर आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट की यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन की लाइट मिलती है, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड की वार्निंग, ऊपर में आपको डिजिटल RPM मीटर मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक आपकी कौन से गियर में चल रही है, क्लॉक यहाँ पर आपको मिल जाती है, ओडोमीटर ट्रिम मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको डिजिटल फ्यूल गॉज दिया गया है। सबसे अच्छी बात इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे में टाइम को भी देख सकते हैं और डेट वगैरह भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर मिलता है कि अगली जो सर्विस है वो आपको करानी है 750 किलोमीटर के आसपास में और यहाँ पर आपको मोड और सेलेक्ट की बटन मिलती है। सबसे अच्छी बात इसमें आपको GPS नेविगेशन असिस्ट मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट जैसे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं, इको इंडिकेटर मिल जाता है। और इसके साथ ही स्विचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पर आपको I3S का बटन मिलता है ब्लू कलर का, जो फ्यूल सेविंग करने में काफ़ी मदद करता है। तो अब मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ। अगर इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इसके सीट के अंदर की ये जो कुशन है, ये जो फॉर्म का मटेरियल है, वो आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है जिसमें दो लोग आसानी से बैठ पाएंगे। सीट काउल के ऊपर में हीरो का स्टिकर है और सेंटर में I3S का स्टिकर मिल जाता है। ये जो साइड बॉडी पैनल है वो आपको ड्यूअल टोन कलर में प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं। प्रोग्रामेड FI की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ भी आपको वाइट कलर की स्ट्रिप के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ भी आपको वाइट कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। इसमें आपको किक मिल जाती है 180mm की, यहाँ पर आपको हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सबसे अच्छी बात ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो पूरा का पूरा ढका हुआ है, जबकि होंडा की बाइक में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। इसके इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है 124.7 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 FI इंजन। ये इंजन 10.7 PS की मैक्स पावर देता है 7,500 RPM पर और ये इंजन 10.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6,000 RPM पर। इसमें आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी मिल जाती है और प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, I3S टेक्नोलॉजी मिलती है, ऑटो सेल फीचर्स मिल जाता है। बाकी ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, बीच से इसको थोड़ा सा मेटल से कवर किया है जिससे आपके जूते चप्पल और पैर वगैरह ना जलें। यहाँ भी आपको थोड़ा सा मेटल का सपोर्ट मिलता है।
जिसके ऊपर में ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर आपको मफलर गार्ड का सेटअप मिलता है। पीछे भी आपको एडजस्टेबल फुट रेस्ट और यहाँ पर दिया है इसका ब्रेक ऑयल का छोटा सा डब्बा। पीछे में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर मिल जाते हैं जो आपको मिलते हैं स्प्लेंडर प्लस में। और पीछे में आपको मिलता है 180/18 का ट्यूबलेस टायर का सेटअप और पीछे में 130 mm की यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। जैसा कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबाते हैं तो इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ काम करती है, मतलब कि कॉम्बी ब्रेकिंग का यहाँ पर आपको सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों। इसके रियर पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, हीरो का स्टिकर, ऊपर में आपको ब्लैक मैट फिनिश मिलती है और एच शेप की यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। पीछे भी आपको दोनों साइड में थोड़े से फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन कर पाएंगे। कंपनी फिटेड यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का लेडी प्लेन के लिए साड़ी गार्ड मिल जाता है। इस बाइक का जो चेनसेट कवर है वो आपको फुली फाइबर का मिलता है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट, और इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है और साथ में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का फीचर्स मिल जाता है। जैसा कि ये फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाली बाइक है तो इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस बाइक के माइलेज के बारे में तो ये जो बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल में आपको 60 से 65 km/hr का माइलेज आसानी से निकाल कर दे सकती है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये जो बाइक है वो 107 km/h की टॉप स्पीड तक हाईएस्ट चली जाती है। प्राइस की बात करें तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक डिस्क ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 88,173 रुपये और इस बाइक की ऑन रोड कीमत है 1,06,277 रुपये और हीरो ग्लैमर एक्सटेक ड्रम ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 84,388 रुपये और ड्रम ब्रेक में ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है 1,02,165 रुपये की। और दोस्तों ये रही बगल में हीरो की सुपर स्प्लेंडर 125cc का सेमी डिजिटल मीटर कंसोल वाला लेटेस्ट मॉडल और ड्रम ब्रेक में ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है 97,668 रुपये की और डिस्क ब्रेक में ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है आज की डेट में 1,02,262 रुपये की। ऑफ़र की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में सुपर स्प्लेंडर पर एक्सचेंज ऑफ़र 2,100 रुपये का चल रहा है। अगर आप हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप SMSG हीरो शोरूम क्लॉक टावर लेक टाउन VIP रोड वाले कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हीरो की सारी बाइक मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।